नमस्कार, मैं आपके साथ आरती सिंह आजाद, स्वागत करती हूं आपका केकेआर न्यूज में। आज होने वाले किसान सम्मेलन को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कहा, भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों के बीच में रही है। मध्य प्रदेश को शिवराज सरकार किसान हित ऐसी सरकार है, किसान का बेटा मुख्यमंत्री है। उन्होंने कहा, शिवराज चतुर्थ में पहले दिन से ही किसानों के हित में निर्णय लिए जा रहे हैं। कमलनाथ के बयान को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, पहले तो यह समझना पड़ेगा कि यह कमलनाथ के दिल की आवाज है या दिल्ली की। उन्होंने कहा, जो भी हो दोनों स्थिति में दिग्विजय सिंह प्रत्यक्ष रूप से सफल रहे। उन्होंने कहा, राहुल बाबा ने तो पहले ही माफी मांगने का कहा था, अब राहुल गांधी की अवहेलना तो संन्यास की ओर लेकर ही जाती है। पश्चिम बंगाल के लोग के साथ आज होने वाली बैठक को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आज शाम को बैठक होने वाली है। बैठक में लोगों से प्रार्थना करूंगा कि उनके स्वजनों से भी कहें कि राष्ट्र के हित में मोदी जी ही ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद से अधिकांश समय कांग्रेस शासन रही है। उन्होंने कहा कि जब मैं बंगाल गया तो वहाँ की स्थिति को देखकर दुख होता है। वहाँ के लोगों से कहूँगा कि एक बार बीजेपी को मौका दें। पतियों के साथ ही गाइडलाइन पर विचार हो रहा है और जल्दी भाग गाइडलाइन जारी होगा। जय ठाकुर, मैंने वह पढ़ा नहीं है अभी, पर शास्त्रों में वर्ण व्यवस्था और संविधान में नहीं है। हम सब भारत माता के नाम हैं, भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं होता। प्रदेश में चल रहे माफियाओं के खिलाफ अभियान को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि माफिया सुनने ध्यान से, मध्य प्रदेश में कोई भी माफिया का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा, यहाँ पर कानून का राज है, माफिया कितना भी बढ़ जाए बख्शा नहीं जाएगा। भोपाल से संवाददाता मुकेश सरवैया की एक रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से किसानों के बीच में रही है और किसान हितैषी सरकार, और किसान का बेटा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का है, और इसलिए आज नई बात नहीं है। शिवराज फोर, शिवराज चतुर्थ में पहले दिन से ही किसानों के हित में निर्णय हुए और पहले तो ये समझना पड़ेगा ये दिल की आवाज है या दिल्ली की। जो भी हो दोनों स्थिति में दिग्विजय सिंह तो सफल रहे। राहुल बाबा ने तो पहले ही माफी मांगने का कहा था, अब राहुल गांधी की अवहेलना तो संन्यास की ओर ले ही जाती है। आज आप बंगाल को लेकर कोई बैठक करने वाले हैं? हमारे पश्चिम बंगाल के जो भी लोग प्रवासी हैं उनके साथ आज शाम को हम लोग बैठने वाले हैं और मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो अपने स्वजनों से भी कहें कि राष्ट्र की मुख्य धारा में भारतीय जनता पार्टी ही ले जा सकती है, मोदी जी के नेतृत्व में जा सकते हैं, तो आओ हम बंगाल को भी मुख्य धारा में समाहित करें, तिरोहित करें, विकास करें। आज़ादी के बाद से अधिकांश समय 34 साल कॉमरेड कम्युनिस्ट शासन, 10 साल ममता दीदी का, उसके पहले कांग्रेस का, वहाँ कभी भाजपा नहीं रही। और बंगाल जब मैं गया तो वहाँ की हालत को देख के दुख होता था, तो आइए, मैंने कहा है कि आप सब भी इस अभियान में शामिल हों। और मेरी एक बैठक हुई, प्रस्ताव नई गाइडलाइंस होंगी, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश ड्रामा स्कूल खुला, उसमें 10 स्टूडेंट्स एक साथ में पॉजिटिव आ गए, तो एहतियात रखनी पड़ेगी स्कूल और कॉलेज में। एहतियात के साथ ही गाइडलाइन पर विचार हो रहा है और जल्दी उस गाइडलाइन को हम जारी करने वाले हैं। अभिभावकों की मंशा है कि अभी कोविड का जो दौर चल रहा है इसे में स्कूल कॉलेज घूम सकते, दोनों प्रक्रिया एक साथ भी चल सकती है। जिनके अभिभावकों को कोई अज्ञात आशंका होगी वो वर्चुअल भी कर सकते होंगे, और जो वो भी होंगे तो वैसे भी अभी, लेकिन दोनों बातें विचाराधीन है, अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। कैबिनेट की बैठक मैंने वो पढ़ा नहीं है, अभी आपके मुंह से सुन रहा हूं, पर शास्त्रों में वर्ण व्यवस्था है, समाज में और संविधान में नहीं है। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। रेत माफियों के खिलाफ आज फैसले लिए जा सकते हैं, माफिया कोई भी हो मध्य प्रदेश में, माफिया शब्द व्यापक है, वो ड्रग माफिया भी हो सकता है, वो रेत माफिया भी हो सकता है, वो भू माफिया भी हो सकता है,
और सभी माफिया सुन लें ध्यान से, मध्य प्रदेश में किसी माफिया को कोई स्थान नहीं है। यहाँ कानून का राज है, शिवराज की सरकार है, सख्ती से कार्रवाई होगी। वर्तमान हो चाहे पूर्व हो, अपराध तो अपराध है और अपराधी कितना भी बड़ा हो बख्शा नहीं जाएगा। हमारे पश्चिम बंगाल के जो भी लोग प्रवासी हैं उनके साथ आज शाम को हम लोग बैठने वाले हैं और मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो अपने स्वजनों से भी कहें कि राष्ट्र की मुख्य धारा में भारतीय जनता पार्टी ही ले जा सकती है, मोदी जी के नेतृत्व में जा सकते हैं, तो आओ हम बंगाल को भी मुख्य धारा में समाहित करें, तिरोहित करें, विकास करें। आज़ादी के बाद से अधिकांश समय 34 साल कॉमरेड कम्युनिस्ट शासन, 10 साल ममता दीदी का, उसके पहले कांग्रेस का, वहाँ कभी भाजपा नहीं रही। और बंगाल जब मैं गया तो वहाँ की हालत को देख के दुख होता था, तो आइए मैंने कहा है कि आप सब भी इस अभियान में शामिल हो, कोई भी हो मध्य प्रदेश में। माफिया शब्द व्यापक है, वो ड्रग माफिया भी हो सकता है, वो रेत माफिया भी हो सकता है, वो भू माफिया भी हो सकता है, और सभी माफिया सुन लें ध्यान से, मध्य प्रदेश में किसी माफिया को कोई स्थान नहीं है। यहाँ कानून का राज है, शिवराज की सरकार है, सख्ती से कार्रवाई होगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। हमारे साथ खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें।